दौरे पर आज सीएम मोहन यादव जाएंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है आज। सीएम मोहन चरण शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम भी जाएंगे। आपको बता दें, मांझी के शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। जनता मैदान भुवनेश्वर में यह आयोजित होगा। तो भुवनेश्वर में पार्टी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को नेता चुना गया और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शिरकत करेंगे। तो ओडिशा के नए सीएम मोहन चरण मांझी, जो कि आज शपथ लेंगे, इनके शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो अहम चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। बीजेपी के ओडिशा के मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह आज है। शपथ लेंगे वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर। पहली बार बीजेपी को मिला है सरकार बनाने का मौका उड़ीसा में। केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा बनेंगे राज्य के डिप्टी सीएम। तो बीजेपी नेता मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं और सीएम छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा का नाम तय किया गया है डिप्टी सीएम के तौर पर। तो ये दोनों नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन डिप्टी सीएम के पद की शपथ ये लेंगे बीजेपी ने। आपको बता दें, और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली छत्तीसगढ़ से हमारे साथ, रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और भोपाल से जुड़ रही है मृतांशी जोशी। जुल्फिकार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कार्यक्रम तय है, किस वक्त विष्णुदेव साय सीएम निकलेंगे उड़ीसा के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और एक विशेष विमान के जरिए भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी जा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी बॉर्डर जो है उड़ीसा से लगी हुई है और जो बॉर्डर वाला इलाका है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दोनों राज्यों की संस्कृति मैच खाती है। और यही वजह है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे लोकसभा चुनाव के साथ में, तो उस दौरान जैसे ही छत्तीसगढ़ के तीनों चरणों के मतदान खत्म हुए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता हैं उनकी ड्यूटी उड़ीसा के लिए लगा दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी काफी दिनों तक वहां पे रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसके साथ साथ विधानसभा में भी बड़ी सफलता मिली है। तो कल ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, छत्तीसगढ़ के नेताओं की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो कल्चर है वो दोनों राज्यों का एक दूसरे राज्यों का मिलता जुलता है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनको वहां पे प्रभार सौंपा गया था ताकि वो ये बता सके कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पहले 15 साल सरकार थी और अब विष्णुदेव साय सरकार यहाँ पे आई है तो क्या परिवर्तन है और किस तरीके से लोगों के हितों में काम हो रहे हैं। और उसका असर भी देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ के नेता जहां जहां पर थे, जहां पे उनको तैनात किया गया था प्रचार के लिए, वहां पे बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हराया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आप जब वहां पे शपथ ग्रहण समारोह है तो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो उसके गवाह बनेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे और उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत जो बॉर्डर वाले इलाकों के विधायक हैं वो भी रहेंगे। अब रायपुर ग्रामीण से जो विधायक है पुरंदर मिश्रा, इन ये भी उड़ीसा से आते हैं तो उनको भी वहां पर प्रचार के लिए लगाया गया। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ के नेताओं की है जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। जी जुल्फिकार, अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ भोपाल से है। मोहन यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। जी अमृतांशी, बिल्कुल। देखिए ज्योति, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेताओं ने प्रचार किया उड़ीसा के लिए, मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे नेता थे जो कि चार चरण खत्म होने के बाद उड़ीसा में लगातार प्रचार कर रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के समेत तमाम जो मंत्री थे, कई विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी,
और जैसे ही छत्तीसगढ़ में माफ कीजिएगा उड़ीसा में जब मुख्यमंत्री के चुनाव का वक्त आया था, जब एक अच्छी जीत हासिल हो गई थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के कई नेता यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेक्षक के रूप में भेजे गए थे और वहां पर विधायकों से संपर्क लगातार बनाने की बात भी कही गई थी। भोपाल के ही सांसद आलोक शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग समेत कई नेता जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा कई विधायक और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने उड़ीसा में प्रचार किया है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत वहां पर मिली है, जिसके लिए हम एक तरीके से कह सकते हैं जो सरकार वहां पर बनने जा रही है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल होगा। यही वजह रह रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के समेत और भी कई तमाम नेता जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। करीबन 10 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से रवाना होंगे, वो सीधा भुवनेश्वर पहुंचेंगे। भुवनेश्वर पहुंचकर, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर ओडिशा जो है, भुवनेश्वर जो है वो एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र का भी एक बड़ा सेंटर है, एक बड़ा धार्मिक केंद्र है, तो वहां पर जितने भी धार्मिक स्थल होने वाले हैं मुख्यमंत्री उनका अवलोकन करेंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे के करीब जो शपथ ग्रहण समारोह है मोहन मांझी का, उनके जो है शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए थे, खासतौर से मध्यप्रदेश में 4 चरण थे, इसके बाद जो है इस तरह से ताकत झोंकते हुए तमाम बड़े नेता उड़ीसा के लिए नजर आए, तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि सरकार बन गई है, अब मुख्यमंत्री के बतौर शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय जो है पटनायक के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए हो जाता है, तो तमाम जो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ हिंदी पट्टी के दोनों सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, बीजेपी को अच्छी जीत यहाँ पर विधानसभा लोकसभा में मिली है, तो इस पल का गवाह बनने के लिए जो तमाम बड़े नेता हैं और प्रदेश के मुखिया हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम को शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद वो दोबारा से भोपाल लौटेंगे। जी अमृतांशी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भोपाल से आपका, और जुल्फिकार आपका रायपुर से। तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया।